हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीप छात्रा एंड आप देख रहे हो ओनली फॉर डिजाइन। बहुत दिन बाद आज एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो सरप्राइज एक्चुअली मैं नहीं दे रहा हूँ, बूटस्ट्रैप दे रहा है। तो रिसेंटली बूटस्ट्रैप 5 का अल्फा वर्जन लॉन्च हो गया। जो अब तक बूटस्ट्रैप लोग बूटस्ट्रैप 2, उसके बाद बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4 लास्ट तक चल रहा था लेटेस्ट, लेकिन रिसेंटली आपने सुना ही होगा बूटस्ट्रैप 5 का अल्फा वर्जन लॉन्च हुआ। तो ये बूटस्ट्रैप 5 देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं 2-3 दिन से कर रहा हूँ बनाने के लिए, बहुत इजी है। अगर आप लोग बूटस्ट्रैप 4 जानते हो तो आप बूटस्ट्रैप 5 का 80% या 90% आप लोग जान चुके हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत कम चेंजेस हुआ है, जो हुआ है बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है। ठीक है, बहुत इशू जो पहले था वो अभी सॉल्व हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर एक नया सा वीडियो बनाए के पूरा डिटेल्स लेके एक वेबसाइट बना के कैसे बूटस्ट्रैप 5 से एक वेबसाइट को बना सकते, तो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि एक बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर एक एचटीएमएल वेबसाइट बना के दिखाइए। तो नेक्स्ट एक वीडियो, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, तो उससे हम एक बूटस्ट्रैप 5 की मदद से एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप लोग चाहते हो तो एक वीडियो बनाए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है एंड क्या क्या नया कुछ देखने वाला है बूटस्ट्रैप 5 में। तो उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये बूटस्ट्रैप 5 का ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है, देख सकते हैं आप कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या क्या चेंजेस आया है वो एक बार देखेंगे। मेटेरियल डिजाइन का जो बूटस्ट्रैप 5 मेटेरियल डिजाइन होता है उसका वेबसाइट में हमको अच्छी तरह से समरी मिला कि क्या क्या नया चेंजेस आया है। इतना सारा नया चेंजेस है, आप देख सकते हैं इतना सारा नया चेंजेस है। उसके अंदर सबसे अच्छा हुआ RTL सपोर्ट हैज बीन एडेड। मतलब RTL सपोर्ट क्या होता है? RTL सपोर्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट तक लिखते हैं। ठीक है ना, कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो RTL सपोर्ट का मतलब है राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर कोई अरबिक लैंग्वेज हो, कोई ऐसा कोई लैंग्वेज जो राइट से लेफ्ट तक होता है, उसके लिए RTL सपोर्ट है। jQuery रिमूव हो गया। हाँ, कोई शॉकिंग का बात नहीं है, jQuery रिमूव हो गया। उसके लिए आया है वैनिला जावास्क्रिप्ट। आप लोग सोच रहे हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट क्या है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। वैनिला जावास्क्रिप्ट जो बेसिक जावास्क्रिप्ट होता है, हम लोग उसका ही नाम है वैनिला जावास्क्रिप्ट। जो लोग हम यूज करते हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट, उसका नाम ही है वैनिला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देन ड्रॉप इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड 11, ये बहुत अच्छा हुआ। सच में मैं एक डिजाइनर हूँ एंड डेवलपर हूँ, क्लाइंट लोग का इतना परेशान होता है। अच्छा सा ब्राउजर है जैसे सफारी, क्रोम, देन उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, बहुत अच्छा अच्छा ब्राउजर है। उसके बाद भी वो क्लाइंट्स बोलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छा नहीं खुल रहा है। बार बार क्लाइंट बोलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में अच्छा नहीं खुलता है। ड्रॉप इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड 11, ये लोग पूरा ही बोल दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड 11 को हम लोग ये नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद इम्प्रूव ग्रिड सिस्टम इम्प्रूव किया है। देन इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रूव मॉड्यूलेटर, इम्प्रूव फॉर्म। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे एक फॉर्म बना रहे थे, यहाँ पे क्या होता है हर एक फील्ड को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग से। मान लीजिए चार्टो इनपुट टाइप को हम पहले क्या कर सकते हैं, पैडिंग 200 पिक्सल दे पहला वाला इनपुट टाइप का, सेकेंड वाला भी इनपुट टाइप 200 पिक्सल हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्टो अगर इनपुट टाइप है, हम चार्टो को अलग अलग पैडिंग, मार्जिन या स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहुत इंप्रूव किया फॉर्म्स ने। न्यू रेस्पॉन्सिव फॉन्ट, ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। रेस्पॉन्सिव फॉन्ट, हम लोग पूरा वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना लेते हैं, लेकिन फॉन्ट के टाइम क्या होता है, फॉन्ट के टाइम क्या होता था, एक एक मीडिया क्वेरी पकड़ के फॉन्ट को छोटा करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेस्पॉन्सिव फॉन्ट दे दिया, जो हमारा टाइपोग्राफी है H1, H2, H3 उसको हमको रेस्पॉन्सिव कर दिया। तो जैसे स्क्रीन छोटा होता जाएगा, ये फॉन्ट भी छोटा होता जाएगा, ये बहुत अच्छा किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा चेंजेस है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे,
और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल्स एक वीडियो बनाएं, एक एचटीएमएल वेबसाइट को बना के दिखाएं कैसे बूटस्ट्रैप 5 से एचटीएमएल वेबसाइट बनाते हैं, तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बूटस्ट्रैप 5 के मदद से एक वेबसाइट बनाएंगे। बहुत ईजी है एंड बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका बटन का भी कर दिया, स्टाइलिंग चेंज किया बटन का, देन बहुत कुछ एक्स्ट्रा है एंड बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था, जेक्वेरी के वजह से वेबसाइट का जो वेट होता है बहुत भारी हो जाता था। यहाँ पे इसने इस पे काम किया है, इसको लाइट किया है, लाइट कितना कम वेट हो इसके ऊपर काम किया है। नया बहुत नया नया चीज आया बूटस्ट्रैप 5 में। अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो बनाए, प्लीज कमेंट कीजिए एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।